हाय फ्रेंड्स, मैं हम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करूंगा दंगल मूवी के 17 दिनों के कलेक्शंस के बारे में। और जो मैं जिस चीज के बारे में आज बात करूंगा, शायद ही दोबारा कभी ऐसा मौका आएगा जब मैं इस तरह की बातें दोबारा करूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं दंगल ने इस तरह का कलेक्शन किया है जो शायद ही बॉलीवुड में दोबारा रिपीट हो। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो, इस तरह का कलेक्शन शायद ही मैंने कभी देखा होगा, आपने भी शायद ही देखा होगा। तो आपको बता देना चाहता हूँ किस तरह से कलेक्शन हुआ है दंगल मूवी का और मैं ये सब चीज़ें क्यों कह रहा हूँ। तो पहले दंगल की शुरुआत अच्छी खासी हुई थी। पहले हफ्ते में इस फिल्म ने 197 करोड़ तक की कमाई की थी और पहले ही वीकेंड में इसने 106 करोड़ तक का बिजनेस किया था, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड था। उसके बाद सेकेंड वीकेंड खत्म होते होते इस फिल्म ने और बढ़िया कलेक्शन किया और सेकेंड वीकेंड जो था उसमें 72 करोड़ इस फिल्म ने कमाए थे। और अब तीसरा वीकेंड जो खत्म हुआ है, इस तीसरे वीकेंड में इस फिल्म ने जो कमाई की है वो मतलब सेकेंड वीकेंड तक 313 करोड़ था और जो तीसरा वीकेंड में कमाई कुछ 31 करोड़ हुई है। और थर्ड वीकेंड में किस तरह कलेक्शन रहा वो मैं बताता हूँ, यानी कि 15वें दिन, 16वें दिन और 17वें दिन जो आज का दिन है, किस तरह कलेक्शन रहा। 15वें दिन इस फिल्म ने, यानी कि थर्ड फ्राइडे को, इसने कमाए थे 6.66 करोड़। और जो सैटरडे का दिन था, इस दिन इस फिल्म ने कमाए थे 10.80 करोड़। और उसके बाद संडे का जो कलेक्शन बहुत ही बढ़िया आया है वो आया है 14.33 करोड़। और उसके बाद अब जो कलेक्शन मैं आपको बोलूँगा शायद दोबारा आप कभी सुनोगे किसी और फिल्म से, जी हाँ, 345 करोड़ इस फिल्म ने कमाए हैं। उसका प्रॉपर एग्जैक्ट फिगर बता देता हूँ, 345.30 करोड़। 345 करोड़ भाई साहब इस फिल्म ने कमा लिए हैं और अब तक का किसी भी बॉलीवुड फिल्म का सबसे हाईएस्ट कलेक्शन है। यानी कि इसका मतलब है बजरंगी भाईजान का रिकॉर्ड तो तोड़ ही दिया था 321 करोड़ का, अब इस फिल्म ने जो रिकॉर्ड तोड़ा है वो तोड़ दिया है पीके का। पीके ने जो कमाई की थी वो की थी 340 करोड़, 340.80 करोड़, वो तोड़ दिया इसने पूरी की पूरी तरह। अब छा गई है दंगल, तीसरे वीक में चल रही है, तीसरा वीकेंड खत्म होने के साथ ही 31 करोड़ का जैसे बताया थर्ड वीकेंड कलेक्शन आया, तो बहुत बढ़िया कलेक्शन रहा है। अब जाके इस फिल्म को 4 दिन और बचे हैं, अच्छे से जितना भी कमाना है कमा ले और उसके बाद इससे टक्कर मिलेगी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 फिल्मों से। आप सोचोगे यार दो तो बताया था पहले भी मैंने, तीसरी कौन सी है, दो मैं पहले बता देता हूँ, हराम खोर जो मूवी है वो, दूसरी है ओके जानू, और तीसरी हॉलीवुड फिल्म जो XXX द रिटर्न ऑफ द जेंडर की रिलीज हो रही है दीपिका पादुकोण और विन डीजल की, वो एक हफ्ते पहले ही रिलीज हो रही है इंडिया में। वैसे 20 तारीख की रिलीजिंग है लेकिन रिलीज हो रही है इन दोनों मूवी के साथ, यानी कि इसी फ्राइडे को। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी टक्कर मिलने वाली है और दंगल कलेक्शन जितने भी है, जितना भी आ रहा है उसका आधा हो जाएगा अपने चौथे वीक में, लेकिन फिलहाल तीसरे वीक में ताबड़तोड़ कमाई करेगी। और इतना भी मैं आपको बोल सकता हूँ, चौथे वीक में थोड़ी बहुत टक्कर बाकी फिल्मों को देगी, लेकिन चौथे वीक का एंड आई थिंक लाइफ टाइम कलेक्शन का इसका एंड होगा। और इसका कलेक्शन लाइफ टाइम का मुझे अभी तक जो समझ में आ रहा है वो लगभग 380 से 390 करोड़ जा सकता है, और 400 करोड़ गया तो अपने आप में एक धमाका हो जाएगा, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और इस फिल्म से आमिर खान ने जो अपना क्लब है वो बनाए रखा है। पहली फिल्म जो आमिर खान की थी वो 100 करोड़ के ऊपर गजनी थी, उसके बाद 200 करोड़ भी क्लब का आमिर का ही है, 300 करोड़ का क्लब भी आमिर का है, 350 करोड़ का क्लब भी अब आमिर के नाम हो चुका है या हो जाएगा कुछ दिनों में। कुछ और बॉलीवुड खबरें पता चलेगी तो आपको जरूर बताऊंगा। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।